लेकिन जो मेन है उसको प्रीशा तेरा नजदीक है क्या उधर? ओहो चलो ओके बाय बाय टेक केयर। बाय गुड मॉर्निंग। आप लोग देख के समझ गए कि आज संडे है और मैं क्लास में आई हूँ। अभी जो मैं दिखाई ना, एक्चुअली मेरी स्टूडेंट ईशानी वो US जा रही है हायर स्टडीज़ के लिए। तो इस तरह से जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं ना, बहुत दुख होता है। वो भी बहुत दुखी है और हम सब भी बहुत दुखी है, क्योंकि हम बहुत मिस कर रहेंगे एक दूसरे को डेफिनेटली। बिकॉज कलांगन में ऐसा होता है ना, अगर आप एक बार जुड़ जाओ हमारे साथ तो वो एक फैमिली बनता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे यहाँ जो भी आते हैं, कुछ कुछ बच्चे 25-30 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, और ऐसे विदेश में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, अगर किसी वजह से नहीं भी कर पाते हैं, पर वो लोग रेगुलरली मेरे साथ कनेक्टेड रहता है हर चीज़ में। मतलब उनके जो भी कुछ कहना है, उनके लाइफ में जो अप एंड डाउन्स होता है उसमें मुझे कांटेक्ट करते हैं। मतलब हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि कलांगन में आप एक बार आ जाओ तो वो जो बॉन्डिंग होता है ना हमारा, वो पूरा लाइफ एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, जिसके लिए एक्चुअली मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। पर खैर, जैसे लाइफ में होता है ना, किसी दिन थोड़ा सा हम दुखी हो जाते हैं, किसी दिन हम थोड़ा खुश हो जाते हैं। वैसे दुख है तो उसके साथ साथ खुशी भी है, क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही टीचर्स डे था, तो मैं इतना खुश हो गई। देखिए, सुबह सुबह उठ के ही मुझे क्या मिला। आज दिन शुरू हुआ ऐसे एक स्वीट गिफ्ट के साथ। आज टीचर्स डे है, पर मैं नॉर्मली बच्चों को कहती हूँ कि मैं टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, मैं गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करती हूँ। पर मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं कि सुबह से सबका मैसेजेस आ रहा है, और साथ में एकदम सुबह सुबह ये गिफ्ट मिला, बहुत अच्छा लगा। और मैं मेरे सारे बच्चों को बताना चाहती हूँ, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मैं ना टीवी में यूट्यूब जब देखती हूँ, ऐसे फूड ब्लॉग भी बहुत देखती हूँ, तो ये एक लेडी है जो खाने के बाद किस तरह से रिएक्शन देती है। देखिए, मतलब खाना बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो उनका जो रिएक्शन है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं काफ़ी ब्लॉग उनका, मतलब काफ़ी वीडियोज़ मैं देख चुकी हूँ, और मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा भी लगता है एंड बहुत फ़नी भी लगता है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। पर उनको देखते देखते ना, देखिए अभी मैं और त्रिना, आप लोगों को पता है कि फ्राइडे हम लोग भी जाते हैं लंच करने के लिए, कभी डिनर के लिए, तो मैं भी रिएक्शन देती हूँ। पर ये लेडी को देखते देखते, जाने अनजाने में मैं किस तरह से रिएक्शन दे रही हूँ, आप लोग देखिए। देखो मेरे साथ है मिशी, कहाँ जा रहे हो? हम क्लास में डांस करने जा रहे हैं। यस, हम डांस क्लास जा रहे हैं, और ये पता नहीं चल रहा है कि हम सुबह जा रहे हैं कि शाम को जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अभी ऐसे ही है, और धूप हमने 3 महीने से नहीं देखा रहा है। एनीवे, चलो लेट हो रहा है, पूछो, ये रिक्शा जाएगी तो पूछ लो। वाह, पहली बार ना मैं ऐसे चल के जा रही हूँ यहाँ से, इतना अच्छा लग रहा है, पूरा पवाई लेक दिख रहा है, एंड ट्रैफिक देखिए, आज संडे है फिर भी ट्रैफिक देखिए। वहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं, देखिए देखो गाड़ी कहाँ से निकल निकल के, बाइक वाले कहाँ से आ रहे हैं, देखिए ये देखो। नाम क्या है तुम्हारा? अनंत कुमार दास। अनंत कुमार दास, ओके, आसाम से हो?
गुवाहाटी आसाम से। तो नाइट ड्यूटी है और रात को सोने को मिलता है? नहीं, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलता है। सुबह सुबह जॉकी एक दो मिनट। अच्छा, मतलब पूरा रात गाड़ी आते जाते रहते हैं? पूरा रात गाड़ी। बॉम्बे में लोग थोड़ा रात को घूमते हैं ना। अच्छा, इसलिए सुबह सुबह थोड़ा गाड़ी उतना नहीं आता। ओके, अच्छा।